हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं नर्डी सैम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम ऑडियो टैब के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपने रील्स वीडियोस के लिए इजीली सॉन्ग्स एंड ऑडियो को सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। इस नए ऑडियो सर्च टूल की हेल्प से आप अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम ऐप में ही सॉन्ग्स एंड ऑडियो सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सैम्पल रील्स को भी देख सकते हैं जो आपके सर्च किए गए ऑडियो और सॉन्ग को यूज़ कर चुके हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अपने रील्स वीडियोस के लिए। एंड इट्स आल्सो अलाउ यू टू सी द लेटेस्ट ट्रेंडिंग रील्स यूजिंग द सॉन्ग, विच कैन बोथ सर्व एज इंस्पायरेशन एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव योर रील्स सीन बाय अ वाइडर ऑडियंस इफ यू डिसाइड टू होप एंड दैट ट्रेंड बाय यूजिंग दैट सॉन्ग इन द सेम वे। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू फाइंड योर फेवरेट ट्रैक्स यूजिंग द ऑडियो टैब। चलिए अब हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं, और ये हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। और सर्च पे हम टैप कर लेते हैं और ऑडियो पे टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि मैं रोमांटिक सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक रोमांटिक की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग आप देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अब आप चाहते हैं अगर रॉक, तो यहाँ पर मैं रॉक सर्च करता हूँ, ये रॉक की प्ले लिस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि हिप हॉप कोई ऑडियो आपको मिल जाए आपके रील्स के लिए, तो यहाँ पे ये हिप हॉप आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। या अगर आपका कोई फेवरेट सिंगर है, जैसे कि मेरा सेलिना गोमेज़, अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी सॉन्ग की। और ऐसे ही आप अपने पॉपुलर और जो आपको फेवरेट लगते हैं, आपके फेवरेट हैं, उनके आप जो है सॉन्ग्स यहाँ पर इस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे एक ऑडियो को सर्च करके अपने रील्स वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रोमांटिक पियानो पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारी रील्स हैं जो इस रोमांटिक ऑडियो का जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यूज़ करके ये सारी रील्स को क्रिएट किया गया है। तो चलिए अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं अपने रील्स ऑडियो के लिए, यूज़ ऑडियो पर टैप करके। तो ये हमने अपनी ऑडियो को चूज़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं आपको प्ले कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप ऑडियो को चूज़ कर सकते हैं, और अपने वीडियो के ड्यूरेशन को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको 15 सेकंड चाहिए या 30 सेकंड चाहिए या 60 सेकंड चाहिए। और यहाँ से आप अपने वीडियो के इफ़ेक्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रील्स के लिए। मैं अपने लिए एक इफ़ेक्ट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये फ्लेम वाला। तो ये फ्लेम वाला देखिए किस तरह से प्रीव्यू हो रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टचअप वीडियो लेआउट है। यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे जैसे कि आपका ये वीडियो लेआउट है, यहाँ पे आपको तीन तरह के वीडियो लेआउट भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे टाइमर है, आप जिसकी हेल्प से आप अपने वीडियो रील्स वीडियोस के लिए टाइम को सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने रील्स वीडियोस के लिए टाइम सेलेक्ट करने के बाद उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने एक इमेज फाइल या अपनी खुद की फाइल को जो भी उस पर भी इस ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, और ये आपकी वीडियो रील्स की वीडियोस क्रिएट हो जाएगी। तो ये रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी वीडियो, और यहाँ पे आप इसे चाहें तो सेव भी कर सकते हैं म्यूज़िक को, और या अपने उसको ऑडियो कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके कुछ इफ़ेक्ट हैं जो आप इस पे अपनी रील्स वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ से आप कोई लोगो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके
रील्स वीडियोस पे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं अपनी रील्स वीडियोस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे आप कुछ ड्रा भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने कुछ टेक्स्ट को भी डाल सकते हैं और उसे एनिमेट भी कर सकते हैं। टैप टू एनिमेट टेक्स्ट पे टैप करके आप देख सकते हैं, वहाँ से एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है और ये आपका, आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।